बेटा मकरन पिताजी प्रभु का नाम लेने से दूसरा लग रहा है कि पगला चल जाए। अच्छा आ गए हमें कला पर खुश होकर भरत भैया जी ने 51 रुपया का तेलहारी को रहने वाले भरत भैया जी ने हमें कला पर खुश होकर 51 रुपया का पुरस्कार किए हैं। मैं श्रीमान को मैं अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। दरपाल महाराज हम लोग सभी परिवार इसी राज्य बंगले पे प्रभु का नाम तो ही ले लिया। जय हो। तुम लिया महाराज? मैं तो पहले कह दिया हूँ। अच्छा कि आप लोग प्रभु का नाम लेने जा रहे हैं उसमें मैं शामिल हूँ। शामिल हो? शामिल को मतलब क्या होता? प्रभु का नाम लिया मैंने साथ हम भैया हो। अरे भगवान का नाम लिया या नहीं? लिया हम साथ है या ही। साथे जरूर हो लेकिन प्रभु का नाम तुम लिया? हम कहां ले लिया? क्यों नहीं लिया? हम तो पहले ही कह देंगे कि साथे ही हो जो। अरे तो साथे के मतलब प्रभु का हम लोग नाम ले रहे तो तुम्हें भी नाम लेना चाहिए ना। ये बात हमने कलावल कि हम लोग भगवान का नाम ले ही लेते तो हूँ उसमें बोलना। नहीं तुम्हारा भी भगवान के नाम लेने पड़ेगा। असल बात है वो हाँ हमारा भगवान से लड़ाई चल रहा है। अरे बेहुदा कहेगा क्या तुम्हारे भगवान से लड़ाई चलता है? 3 साल से क्या चीज का झगड़ा है? हमारा भगवान से झगड़ा रहे हाँ दो। क्या चीज का झगड़ा है? कि तीसरा साल हम भगवान के नाम ले लियो। अच्छा तो हमारा बाबूजी मर गए। 25 साल भगवान के नाम ले लियो तो हमें मतारी पार कर गए। अब ऐसा न कि अपने भगवान के नाम ले लो तो हमरे में हाथ लगा देता। इसका मतलब है बेटा कि सच्चे हृदय से प्रभु का नाम नहीं लिया करता है इसलिए लगातार ये लोग आदमी जा रहे हैं। हाँ द्वारपाले एक कहावत में है कि तुम्हारी जैसा एक हनुमान जी थे बांदर की तरह। हम बांदर हैं? अरे तुमको नहीं कह रहे हैं बांदर की तरह चौन भोन करते थे। वही बांदर को देखो भगवान को दिल में बसाने से पूजा पाठ करने से हर एक मोड़ पर जाकर देखो हर एक जगह पर जाके देखो बाबा बजरंगबली बन के पूजा रहे हैं। हम समझ गए लो यदि हम भगवान का नाम लेबे तो हम पूजा ही देखो देखो भगवान के देखो भगवान को नाम लिया है नहीं और पूजाने के लिए तैयार है। पहले भगवान को भजन करो तो दरपाल तुम इस धरती पर सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लोगे यदि तुम पर प्रभु खुश हो जाएंगे तो तुम भी आवास पूरा सकते हो। ठीक है तो हम भी भगवान के नाम ले लेते हैं। ठीक है ले लो।
बतावा हो तो तेने क्या जी का नाम लिया? हम माता गंगिया का नाम ले लियो। माँ गंगिया का? गंगा माय में जितना भी मरवा तरवा जे सब हुए हैरान हो तो शाबाश बहादुर बेटा मकरन, जो द्वारपाल सुमरन बोल रहा है इन्हें बिल्कुल सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। शाबाश बहादुर, शाबाश बहादुर, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। तोरा कह रहा जो है ए बेटा, किसको कहा? हम तोरा कह रहा जो अपने आप के, क्या हमको कहा? अपने आप के बेटा, अरे तेलो नहीं समझ रहे हो, अरे अपने आप के तो कह बेटा मकरन, तेलो इसका बात के नहीं समझ रहे हो। ए द्वारपाल जो है अपने आप बदन को ये बड़कपन कर रहा है, हाँ बताओ तो सर। बेटा मकरन, बेटा रगरन, तेलुग से कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। क्या कहने के लिए चाहते हैं? सुन लो, सुनाइए। हाँ बेटा सुन ले, आहो दिलवा के हमर बात, अरे हो गेले सियाना बेटा, धिया बहु राज हो मुरंग में बेटा मंगराज। पिताजी, जिस प्रकार से राज मुरंग में दोनों भाई जोग और जवान हो गया है, अच्छा उसी प्रकार से बेटी फूला भी हमें जोग जवान हो गई है। अरे हो गेले राजे मुरंग में, अरे कोई किलावा में, आहो कोई किलावा में, अरे सदिया देती हल न जाए दादी, अरे कोई किलावा में, ए सदी देती हल न जाए, अरे हो गेले सियाना। मकरन पिताजी, जिस प्रकार से तेलुगु दोनों भाई राज मोरंग में जोग और जवान हो गया है, अच्छा उस प्रकार से राज मोरंग में बेटी फूला भी जोग जवान हो गई है, इसलिए मैं बैठे बैठे राज मोरंग में सोच रहा हूँ कि किसी किला में बेटी फूला को मैं भी शादी कर देता। पिताजी अब सही, लेकिन मैं भी प्रण ठा लिया हूँ कि जिस प्रकार से राज मोरंग में हम लोग सभी परिवार वीर और बलवान है, उसी प्रकार से वीर और बलवान हमारे बेटी जो घर और बार मिलेगा उसी के शादी हम लोग। ओहो बहुत सुंदरी बात है, लेकिन सुन लीजिए पिताजी। क्या सुनाते हो? सुनिए। पिताजी सुनला आज दोनों भैयान के एक बोल, आज बैठ के बिचारा बाजी पीता बाराया अपन बंगले पा, आज बैठ के बिचारा बाजी पीता बाराया अपन बंगले पा,
चिट्टा मकरान। हम लोग तीनों बापत मिलकर अपने राज के जहरी पे सोचो और विचार कीजिए। बेटा मकरान, सोचने और समझने का तो बात यही है कि राज मोरंग में बेटी फूला को प्रतिदिन एक फूल से हम लोग तौला करता हूँ। अच्छा? लेकिन बेटी फूला नहीं उस फूल से बढ़ती है और नहीं उस फूल से घटती है। तो दीदी के बुलाया जाए, परीक्षा लिया जाए। ठीक है, चला जाए हम लोग। ठीक है, चलिए। ठीक है, चला जाए। भाई देवा, भाई रिदल, मैं कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। कौन ऐसी बात है जो आप हमसे कहने के लिए चाहते हैं? हाँ, कौन ऐसी बात है, सुनो, मैं कह करके बतला देता हूँ। ठीक है, सुनाइए। अगर हम लोग उसको कुटिया में नहीं जाता हूँ तो ये दुखित हो जाएगी। सही बात है भाई रुदल। चलो, अन्न तो ग्रहण नहीं करूंगा, एक गिलास पानी पी करके हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है भैया जी, चलिए। चलो चलिए। यही तुम्हारा कुटिया है? हाँ प्रभु, यही मेरा कुटिया है। ठीक है, मैं बैठाती हूँ, आप बैठिए। Bye.
होगा, इस भोजन के ग्रहण करो। से आगे विदेशिया मास्टर जी, सुखू पासवान जी की तरफ से हमें 21 रुपया से स्वागत किए हैं, उस श्रीमान को मैं धन्यवाद देता हूँ। लीजिए मास्टर साहब जी, भाई देवा, चलो इस भोजन के ग्रहण करो। लाओ पानी। माली, मैं देख रहा हूं कि हम लोग को भोजन लगा करके अपने दरवाजे पर बैठ करके ये बहुत सुंदरताई बहुत सुंदर फूल गुजती है। भाई देवा ग्रहण करो इसे। मालिन, वो जो फूल है ये लाओ इधर, मैं कुछ कहने के लिए चाहता हूं। हे भगवान, आज इस फूल मैं ये गुजकर किसी राजा के यहां मेरे ले जाती हूं, बताओ के फूल गुद करके तेने कहां पहुंचाती है? राज मोरंग ने पहुंचाती है बाबू। राज मोरंग ने? हाँ, देखे फूल। और इसी फूल से मैंने दीन दुनिया हमारी चलती है बाबू। अच्छा, जाओ उस बैठो। ओहो, इस मालिन को कहना है किस फूल के माला बना करके मैं राज मोरंग में पहुंचाती हूं। ये फूल में तो इतना सुंदरताई है, फूल में तो इतना सुंदरताई है, और जो रानी के ऊपर चढ़ता होगा तो उस रानी को सूरत कैसा होगी? इसमें इस फूल को मैं आज माला बनाता हूं, को भी रानी कोई कहेगी कि माला किसका हाथ के गुथा हुआ है जी।